हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं नींबू का बाग बगीचा देखने के लिए। देखो हम दो जगह वहाँ पर तुम्हें दिखाते हैं नींबू का बगीचा, ठीक है? और नजारा के साथ तुम्हें दिखाऊंगा नींबू का बगीचा। अरे अपनी गाड़ी चली देखा तो कितनी खूबसूरत है, आगे से तुरंत लगा हुआ है, घास लगाई हुई है, देखो टेप भी बढ़िया बचता है। हाँ ठीक है, चलो मिलाता हूँ। ओके मित्रों, चलो मैं आज तुम्हें खेत में घुमा के लाता हूँ। ये देखो, ये है मठ, ये मठ है, मठ इसको बोलते हैं मठ। ऐसा सुंदर है ये, देखो है खूबसूरत है, खूबसूरत। ये हमारे गांव की कनाल, देखो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से सीधी समी जाएगी ये बात से, और यहाँ से जाएगी लोलड़ा, सिप्पा, राजपुरा, सब जगह यहाँ पे जाएगी, ठीक है? चलो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। ये है मामा सुपुर, देखो तो चलो मित्रों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये दाड़म का चाड़। देखो ये है दाड़म, देख सकते हो तुम, बहुत बढ़िया। कौन कहता है कि उत्तर गुजरात में बाग बगीचा नहीं होते? तुम देखो आज उत्तर गुजरात में क्या नहीं है। देखो ये है नींबू का झाड़, नींबू का बाग है पूरा। तुम देखो, देख सकते हो, ये पूरा हमारा गांव का ही है, चिला भाई का, पटेल चिला भाई का बाग है पूरा। देखो पूरा झाड़, अभी तो सीजन नहीं है इसीलिए नींबू आए नहीं है, बाकी सीजन है तो पूरा तुम भर के छोड़ देख सकते हो, पूरा नींबू लगा होता है, ठीक है? अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है मग, ये तुम देख सकते हो, ये है मग। बीमार होते हैं ना तो सब इसका उपयोग करते हैं, इसको बोलते हैं मग। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, और उत्तर गुजरात में अब क्या नहीं होता, सब होता है यहाँ पर, सब बगीचा है। नींबू का है, दाड़म का है, खारेक का है, सब यहाँ होता है। वे पहले के ज़माने में नहीं होता, अब तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? आओ मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। देखो
ये नींबू छोटे छोटे हैं, अभी तो बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े। ये पूरा बगीचा, ये पूरा बगीचा है नींबू का, है ना। और यहाँ रखवाले भी रहते हैं, वो भी तुम्हें बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पर रात दिन 24 घंटा यहाँ मानस रहते हैं। अच्छा ठीक है, 24 घंटा बोल दो। 24 यहाँ पर 24 घंटा इंसान रहते हैं। ठीक है, कंप्लीट रह जाओ, ये काफी ना किसे अबे बोलो। यहाँ पर 24 घंटा इंसान रहते हैं, देखो देख रेख के लिए। ठीक है, देखो है ना पूरा बगीचा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है। देखो मित्रों, यहाँ पर खेडूत कितना समझदार और कितना होशियार हो गए, तुम देख सकते हो। ये नींबू की खेती तो है ही, बाकी अंदर मग भी है, और ये देखो ये रींगण की खेती भी की है। देखो तो ये सब रींगण है, आगे मर्चे होंगे, ये रींगण है। ठीक है, ये है लिंबूड़ी का झाड़, और ये बड़े बड़े लींबू होते हैं ना, वो लींबूड़ी है। हमारे गुजराती में इसके बोलते हैं गधा लींबू, और बाकी हिंदी में तो क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, लेकिन हमारे गुजराती में इसको गधा लींबू बोलते हैं। ठीक है, और ये है होली का माड़ा, देखो तुम देख सकते हो, यहाँ भी जानवर रहते हैं। ठीक है, तो आगे मिलते हैं। बस 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 आ जाओ, देखो तुम दोस्तों, ये नन्ना भाई का घर की चाय, देखो कितनी खूबसूरत है ना। ये नन्ना भाई मेरा दोस्त है, और इसका छोकरा है, वो लेकिन आता नहीं वीडियो में, सारा चला जाता है। ठीक है, चलो बंद कर दो। चुके घर पे, और घर पे आ गए हो, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबा देना, सबसे पहले मेरा वीडियो तुम्हें देखने को मिले।